देश में सीएए लागू होने की अधिसूचना जारी होने के बाद पूर्व सीएम और विधानसभा स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बधाइयां और शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने सीएए की जानकारी देते हुए कहा कि ये किसी की नागरिकता समाप्त करने का कानून नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने का कानून है। वही प्रदेश की भाजपा सरकार को लेकर डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में सुशासन स्थापित है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी की गारंटियों को पूरा करते हुए सर्व कल्याण की सोच के साथ प्रदेश के चहुमुखी विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। आज प्रदेश में अपने आवास से पहले प्रदेश के गरीब परिवारों के आवास की चिंता करने वाले मुखिया हैं और निश्चित ही उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकसित प्रदेश की पहचान बनाएगा। मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी को बधाई देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक मोदी गारंटी में वादा किया था और देश के सामने एक बड़ा वादा किया था कि सीएए का कानून बनाकर वो लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएंगे जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शरणार्थी के रूप में जो लोग भारत आए हैं, जो वहां से प्रताड़ित होकर अल्पसंख्यक के रूप में आए हैं, उनके लिए कानून बना के वैधता के साथ उनको हिंदुस्तान के नागरिक होने का अधिकार मिलेगा, स्वाभिमान के साथ जीवन जी सकेंगे। किसी की नागरिकता को समाप्त करने का कानून नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने का कानून है। ये सीए का जो कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये एक्ट बड़ा साफ और स्पष्ट कानून है जो पार्लियामेंट के अंदर चर्चा भी हुई, बातचीत भी हुई और अमित शाह ने व्यापक रूप से लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर इसकी जानकारी दी। तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि लाखों लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए ये काम हुआ। और दूसरी बड़ी आज महत्वपूर्ण दिन है जिसमें मिशन दिव्यास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और ये अग्नि 5 मिसाइल का जो जिस प्रकार से परीक्षण किया MIRV तकनीक के साथ, ये स्वदेशी स्वदेश में विकसित किया गया अग्नि 5 मिसाइल का जिस प्रकार परीक्षण किया गया, भारत की शक्ति में इजाफा हुआ है और ये निश्चित रूप से भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में दुनिया के प्रमुख राज्यों के बीच उभर के आया है। ये परीक्षण के लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा, DRDO को बधाई दूंगा जिन्होंने ये तकनीक विकसित की। और जो वादा हमने किया था महातारी वंदन योजना, कितनी बड़ी योजना है, इसकी व्यापकता का पता आप लगाओ। 70 लाख महिलाओं को, यानी 70 लाख घरों तक हम जा रहे हैं। और पहला किस्त जो मोदी गारंटी की योजना है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, विष्णुदेव साय जी ने उस मोदी गारंटी योजना को 655 करोड़ रुपया देकर उस घोषणा को अमली जमा पहनाया है और पहली किस्त हमारी बहनों तक पहुंच गई है। और ये पहले किस्त के बाद हर महीने उनके लिए पैसा 655 करोड़ की राशि 70 लाख बहनों तक पहुंचाने का काम लगातार होगा किसानों के लिए। बड़ी योजना और महत्वपूर्ण योजना हमने कहा था, सरकार में हम बैठते ही 2 साल का बोनस देंगे। 2 साल का बोनस, वो बोनस जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हम दे नहीं पाए थे, उस बोनस को हम देंगे, ये वादा किए थे। 3,700 करोड़ यानी 4,000 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके खाते में ट्रांसफर हो गया, उनको ये पैसा पहुंच गया और ये इस योजना की सफलता है। और किसानों के लिए जो न भूतो न भविष्य की, जिसकी कल्पना हिंदुस्तान में और छत्तीसगढ़ के किसान तो कर ही नहीं रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस रूप में भी आएगी। 2100 रुपया में धान खरीदी, 21 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने जब किया तो पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों को प्रतिक्रिया आई और आज हम उसमें 140 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी पूरी हो चुकी है। तो ये सरकार पहले दिन से काम करने वाली सरकार है, वादों को क्रियान्वयन करने वाली सरकार है, चाहे वो बोनस की राशि हो, चाहे किसानों के धान खरीदी की राशि हो, चाहे महतारी वंदन योजना की बारी हो,
किसानों के लिए जिन विषयों को लेकर हमने वादा किया था उन वादों को लाइन से शुरू किया। और मुख्यमंत्री ने एक और वादा किया था कि मैं अपने निवास में जाने के पहले 18 लाख परिवारों के लिए आवास दे दूंगा। मुख्यमंत्री निवास में अभी कल गए हैं, उसके पहले 18 लाख मकान के लिए स्वीकृति माननीय विष्णुदेव साय जी ने कर दिया।